एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्मीशन है पॉइंट एक ऐसी जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं प्रिलियम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलियम्स के, के अंदर उस पर्टिकुलर करंट अफेयर से क्या पूछा जा सकता है नाउ इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कि आपका वंस एंड फॉर ऑल डन हो जाए कि करंट अफेयर्स एज अ मॉड्यूल अलग से आपको कभी बर्डन ना लगे और ये साथ साथ चलता रहे और खत्म हो जाए तो दिस कोर्स इज गोइंग ऑन विच इज टेकन बाई मी ओनली करंट अफेयर्स कोर्स इट इज़ फॉर बोथ प्री एंड मे ये एक डिस्कशन बेस्ड क्लास रहती है एंड uh, साथ ही में uh, जो है ये आपको बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट में ये जो क्लास आपको है वो मिल जाएगी अभी का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बहुत सिंपल टॉपिक है कि इंडिया इज प्लानिंग टू हमारा सिस्टम है, नेविगेशन का इंडियन इंडियन रीजनल, जो हमारा आई आर एन एस एस इसको एक्सपैंड करने की बात कर रही है इसका जो ऑपरेशनल नेम है इट इज कॉल्ड नेविक विच इज एन एक्रोनिम फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन ठीक है सेवन सेटेलाइट हैं इसके अंदर ये स्टैटिक टॉपिक है ये ऑलरेडी हमको पता ही है कि इसके अंदर कितनी है, तो अभी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अभी 7 है वी आर ट्राइंग टू टू इट और साथ में इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन है उसको भी जो है एनकरेज किया जा रहा है और नाउ हमारे लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आता है कि कितनी सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में है कौन सा ऑर्बिट क्या है प्रोबेबली आपको ये पता होगा और कौन से नए बैंड के अंदर हम नई सैटेलाइट लेके आ रहे हैं एंड वट एक्चुअली दीज बैंड मेगा हर्ट पे कितने गीगा हर्ट पे जो है ये बैंड एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से वो बैंड हैं और उनकी किसी में रेन की वजह से फेडिंग ज्यादा होती है किसी की पेनिट्रेशन हाई है तो हम उसके हिसाब से चेक करते हैं कि यार किसकी एक्यूरेसी पेनीट्रेशन और इन सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं कॉन्टेक्सट इसका ये रहने वाला है कॉन्टेक्सट इज वेरी सिंपल चेयरमैन इसरो के चेयरमैन ने अभी रिसेंटली कहा था कि इंडिया टू टू एक्सपेंड इट्स इट्स रीजनल नेविगेशन सिस्टम इज इन इन बिट इंक्रीज यूज सिविलियन सेक्टर एंड ट्रेवलिंग फार फ्राम क्योंकि बॉर्डर के साथ जो इसका एरिया पड़ता है जहां परिफ्टीन हंड्रेड ऑपरेटिंग शिप्स एंड एयरक्राफ्ट है ना तो हमारे को थोड़ी सी ज्यादा रेंजिस से चाहिए दो दैट्स वाई वी नीड टू एक्सपेंड इट गोविंग फॉरवर्ड ये हमने देख लिया है कि आई आर एन एस एस विद एन ऑपरेशनल नेम ऑफ नैविक विच इज नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉट इट इज इज एटोनॉमस रीजनल सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम देखिए यहां पर हर एक जो टर्म है वो तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है रीजनल कौन सी रीजन की बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके साथ बॉर्डर्स के बाद बाहर में हंड्रेड किलोमीटर की जिसकी है रीजनल नेविगेशन सिस्टम दैट एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग एंड टाइमिंग प्रीलिम में घुमाना हुआ तो यहाँ पे रियल टाइम पोजिशनिंग आपको पता लग गया कि हाँ ये रियल टाइम पोजिशनिंग है ही है समटाइम्स इसको वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं just, just टाइमिंग सर्विस है ना एटोमिक क्लॉक्स और इसके थ्रू जो आपका सिस्टम uh, है वो क्लॉक्स जो है अपडेट उसमें होती है एक्चुअल रियल टाइम इज केप्टे एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं एंड सम कंज्यूमर मोबाइल फोन है ना जो जिनमें कुछ कुछ में सपोर्ट हो रहा है ये नैविक बेस्ड ट्रैकर्स है ना और ये कब से अवेलेबल है फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी दीज आर कंपल्सरी ऑन कमर्शियल व्हीकल्स है ना अगेन प्रीलिम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है इसमें तो ये आ सकता है और 2020 के मिड से ये चल रहा है देर आर प्लान टू एक्सपैंड दैविक सिस्टम बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्स्टलेशन साइज फ्रॉम सेवन टू इलेवन है ना ये बेसिकली न्यूज का जो पार्ट था मुद्दा था वो ये था इसके अलावा जो भी हाईलाइट हो रहा है वो प्रीलिम में पूछा जा सकता है जो इसके साथ में और लगते क्वेश्चन है इनकेस आपका अगर टॉपिक कवर हो चुका है वेल एंड गुड है आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच अबाउट सिस्टम्स की क्या है कैसे है, ना? अगर एक है, वो कर इसको ऑलरेडी कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा तो आने वाला होगा आपके साइंस एंड टेक मॉड्यूल के अंदर एंड अभिमन्यू आई एस पे तो खैर इसको काफी डिटेल में किया जाता है और वंस यू रीड नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टील्यूशन यूज इज सेवन सैटेलाइट

चार इसमें है राइट right? ओके okay, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होता है देख लेते हैं आपने जियो स्टेशनरी के बारे में तो हमने मोस्टली जो है वो पढ़ रखा होता है इन लोअर क्लासेस है ना तो जियो स्टेशनरी हमें जो है पर्टिकुलरली याद रहता है जियो सिंक्रोनस माइट बी न्यू टर्म फॉर सम ऑफ यू है ना तो दोनों देख लेते हैं हम जियो इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट थर्टी किलोमीटर अब ये एवरेज होता है ये

ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्ट्यूड राइट right? इसका जो लॉन्गिट्यूड है अर्थ का वो कांस्टेंट रहेगा हाउ एवर इट मे सीम इट मे सीम टू वेंडर नॉर्थ एंड साउथ मतलब इस लॉन्गिट्यूड पर रहेगी कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे इट इट विल अपीयर टू मूव दैट वे है ना तो उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो फिक्स रहता है तो दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी के अंदर उसका लैटिट्यूड भी फिक्स है और इसमेंट्यूड फिक्स साउथ ए की पोजिशन पे फॉर एक्जाम्पल इफ आर स्टैंडिंग हेर एंड नॉट ऑन इक्वेटर तो हमारे ऊपर है एंड दिस वे इज नॉर्थ दिस वे इज साउथ तो वी कैन सी की आ रही है थोड़ा सा ऐसे ऐसे विद टाइम जो है वो मूव करती है ऐसे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मूविंग फॉरवर्ड ऑन बैंड हमने एल बैंड की बात करी थी यहां पे देखिए दिस इज वेरियस आर देयर वी हैव एल बैंड हैज टू टू फोर सी बैंड फोर टू एट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो जो अपग्रेड हो रहा है बस वो वो बैंड्स याद रखने की जरूरत है कुछ कुछ में इसमें इंपॉर्टेंट बैंड रहते हैं एक्स बैंड ये मोस्टली मिलिट्री यूज करती है दिस बैंड इज रिजर्व फॉर मिलिट्री राइट विद आर अदर बैंड ऑल्सो है ना अब देखिए क्यों हम वेरियस बैंड जो है हमें यूज करने पड़ते हैं एक उसके अंदर वट इज दॉजिक वट इज द रैशनल बिहाइंड इट इज दैट सी हम दो चीजों को लेते हैं एक हम इस फैक्टर को लेते हैं और एक हम इस फैक्टर को लेते हैं दिस इज एंटीना साइज एंड दिस इज ससेप्टेबिलिटी टू रेन फेडिंग कि अगर वो कितना ससेप्टेबल है रेन फेडिंग के लिए एंटीना साइज एल के अंदर इफ यू आर यूजिंग एल बैंड वन टू टू गीघा हर्ट यू विल रिक्वायर अ लार्जर एंटीना एंड इट्स ससेप्टेबिलिटी टू रेन फेडिंग इज लेस तो जहां पर आप लार्ज एंटीना यूज कर सकते हो है ना और आपको पता है कि रेन फेडिंग का जो उसके लिए ससेप्टेबल है तो हम एल बैंड की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे हाउ एवर वी है स्मॉल इन के ए बैंड दिस वन विच हैज्वेंटी सिक्स टू फोर्टी गीघा हट्स जो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके अंदर आपका जो एंटीना साइज है इट इज स्मॉलर हाउ एवर इट इज ससेप्टेबल टू रेन फेडिंग वे मोर तो वी मेक अ यूटिलिटी के हिसाब से हिसाब से वी मेक अ चॉइस ऑन दिसन मेन पॉइंट है आगे आगे देख लेते हैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट देखेंगे इनकेस एनी वन वॉन्ट टू नोट इट डाउन यू कैन पॉज दीडियो एंड मेक नोट आउट ऑफ इट एल बी पी सिस्टम जो है इट यूज एल बैंड है ना मेन मेन पॉइंट डिस्कस और इसकी रेंज है वन टू टू गीगा एंड आल्सो सेटेलाइट मोबाइल फोन सच एज ये एक सिस्टम आया था जो कि एट सी लैंड एंड एयर में यूज होता है वर्ल्ड वर्ल्ड स्पेस सेटेलाइट रेडियो ये सारी चीजें ये सब ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है मेन आपका ये है कि जीपीएस कौन से बैंड पे काम करता है इट इज ऑन एल बैंड ठीक है सवाल यहां से बनेगा प्रीलिम का एस बैंड एस बैंड क्या करते हैं वेदर रडार सरफेस शिप रडार एंड अदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ना एस्पेशली दोज फॉर नासा कम्युनिकेशन विद आई एस स्पेस शटल टल आपको ये चीजें और वेदर अटार वो किसमें आता है वो आपका आता है एस बैंड के अंदरली यूज फॉर सेटेलाइट कम्युनिकेशन है ना एंड फॉर फुल टाइम सेटेलाइट टीवी नेटवर्क मतलब जो आपका ये इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज है डी टी एच वाली है ना उनकी जो सर्विसेज है वो आपका सी बैंड यूज करती है विच इज फोर टू एट गीगा हर्ट्स

टेलाइट कम्युनिकेशन है ना एंड uh, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस सच एज एस्ट्रा है ना uh, से ब्रॉडकास्ट होगा और आप एंटीनास वगैरह लगा के उसको कैच कर सकते हो दैट इज के यू बैंड एंड ट्वेल्व टू एटीन गीगा हर्ट नेक्स्ट वी हैव के ए लास्ट वन कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट जो मेजरली यूज होती है वो के ए बैंड की होती है

डेप्थ में नहीं आएगा है ना हाउएवर जो वो एंट, एंटीना वाली स्लाइड थी जिसमें साइज एंड ऑल की बात हुई थी तो उसके अंदर यहाँ पे किसी कुछ स्टेटमेंट्स फॉर्म हो सकती हैं है ना फॉर एग्जांपल अमंग द हायर हर्ट्स बैंड्स है ना कुछ ऐसे करके द एंटीना साइज बिकम्स स्मॉलर या इसको वो चेंज कर देंगे एंटीना साइज बिकम्स लार्जर तो अगर तो इन द हायर फ्रीक्वेंसी रेंज एंटीना साइज बिकम स्मॉलर स्टेटमेंट आती है तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हाउ एवर अगर ये लार्जस्ट स्टेटमेंट आती है कि इट इज लार्जर इन हायर बैंड वो रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ये पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट जो है ये आपको बहुत काम में आने वाला है अगेन यू कैन आई एल क्लियर दिस यू कैन पॉज दीडियो कैन नोट इट डाउन नाउ दैट इज ऑल माई नेम इज रोहित गर्जा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड दिस इज अभिमन्यू आई एस thank you